स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। जब तक एक नाड़ी खुलेगी एक चलेगी तो प्राण नाभि में आएंगे, तुम शरीर बनोगे और दस वायु बनेगी, अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त कृतकिल नाग धनंजय सबल। और ये कंटिन्यू जब आप इस तरह करेंगे खुल जाए, अभी लग रहा है फिर मेरी ये नाड़ी बंद हुई होगी, कम हो गई जगह, थोड़ी कम होती जा रही है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, फिर क्या कह रहे हैं, सुरत के दंड से मैंने कंसंट्रेशन और श्वास एक की, ठीक है, तब इसको खोल दिया, घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, ये क्यों, नहीं तो नाभि में श्वास आएगी, जब नाभि में श्वास आएगी तो दस वायु बनेगी, आप शरीर हो जाएंगे, जब सुषुम्ना में श्वास चलेगी तो फिर क्या होगा पता है, फिर आप ऊपर की तरफ कंसंट्रेट हो जाएंगे, बॉडी शून्य हो जाएगी। इसी को गोस्वामी जी ने रामायण में क्या कहा, उल्टा जाप जगपा जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो लोगों ने क्या इसका टीका किया कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा था, उनके मुंह से राम नहीं निकल रहा था और ब्रह्म समान हो गए। हम कह रहे हैं भाई नहीं, वाल्मीकि जी ने दोनों स्वरों को मिला करके ऊपर नाम लिया और ब्रह्म समान हो गए। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया, सोहमा अस्मैति तहाँ प्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भव मूल अविद्यानाशा। कह रहे हैं वहाँ पर तब क्या होता है, पूरी श्वास ऊपर चलती है, शरीर शून्य हो जाएगा। अब साहब क्या कह रहे हैं, क्यों शून्य हुआ, हमने पवन को पलट कर, पवन को पलट दिया, किससे, सुरती से। इसलिए सुमरण श्वास श्वास का, साहब कह रहे हैं श्वास श्वास प्रभु सुमर ले वृथा श्वास ना खोए। आज तक किसी प्रीचर से आपने इस प्रकार से सुषुम्ना खोलने का कभी ढंग नहीं पूछा सुना होगा, जो सुना पहले तो हाथ खड़ा करे और आजमाना घर जा करके। अब साहब क्या करें, श्वास सुरत के बीच में फिर आगे क्या करें, श्वास सुरत एक डोरी लाए अजर अमर हुए लोग से लाए, तो ये भंवर गुफा तक चला जाएगा, काफ़ी वहाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं, अंदर प्रकाश दिखेगा वो बंक नाल में इस तरह। इसको फिर पलटू साहब क्या करें, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। तो इस प्रकार से जब सुखमन सुन्न सुरत महलो नब आया जर, नानक देव जी भी कह रहे हैं इंडा पिंगला सुखमन बूझे तब तुम्हें ध्यान में आनंद मिलेगा। पर याद रखना, जब आप भजन करेंगे तब मन आपके ध्यान को पहले हटाएगा, जैसे ध्यान से हट गया सांसा फाल करके नाभि में आएगी, ठीक है, तो आपको कुछ आनंद भी नहीं मिलेगा, मज़ा भी नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, भैया कुछ नहीं मिला। अब यहाँ साहब क्या करें, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, यानी पल भर भी श्वास और नाम अलग नहीं हो। आपका सुमरण बंद होगा कब, मन निकाल ले जाएगा, कहाँ बैठा है, सुषुम्ना में बैठा है, वो नहीं खुलने देता है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, वो क्या करेगा, वहां से फौरन याद दिला देगा, प्रवेश ने मुझे गाली बकी थी, बस आप प्रवेश के पास पहुंच जाओगे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे निरंजन पकड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मैंने सुषुम्ना प्रैक्टिकल खोल के दिखाई कि नहीं, क्योंकि अभी इस नाड़ी की बाड़ी है, पौन पौन घंटा में ये चेंज होती है, अगर नहीं बदलेगी तो एक नाड़ी में अगर श्वास चलेगी ना तो डिफिकल्टी होगी, गर्म हो जाएगी। इसलिए ये खेल श्वासाओं का बड़ा हुआ है। अभी साहब क्या करें, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, वो परमात्मा श्वास और ध्यान के बीच रहता है, कभी अलग नहीं होता है। फिर क्या करें, श्वास सुरत एक डोरी लाई, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप श्वास में सुमरण करेंगे आप अपने में आ जाएंगे। अब एक मिनट आंख बंद करके श्वास ध्यान एक करके श्वासा में सुमरण करो और अपने को देखो कहाँ हो, हाँ खोलो,
हाँ भाई, जब आप श्वास में भजन कर रहे, ताराचंद कहाँ थे? आप कहाँ थे उस समय? किस जगह पर आप प्रेजेंट थे? आज्ञा चक्र में, ठीक है। अभी कहाँ हो? अभी दुनिया में बाहर हो गए आप, मेरी तरफ आ गए, सब तरफ आ गए, ठीक है। ये रहस्य स्मरण का कह रहे हैं, करियों जब बहुकाल सत्संगा, तब होए संस्कृति भंगा। आगे डॉक्टर दवा देता है ना, परहेज भी देता है ना, इसलिए ये काम गुरु के सानिध्य में हो। लेकिन फिर सुखदेव ने ये स्टार्ट किया था सुरत शब्द अभ्यास, वो भंवर गुफा में जाकर धुने सुनता था, आनंद आता, कहता यही सच्चा परमात्मा है। सुनो, अब चौथा नाम है सच सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश नहीं, तिसमें झिलमिल ज्योत दिखाना, जाना जनक विदेही। राजा जनक सहस्त्र साल में आ जाता था, यहां ध्यान करता। अच्छा, सुखदेव जी की क्या स्थिति हुई? वो फिर राजा जनक के पास जाकर पहुंचा, वो सिस्टम छोड़ दिया अपना। तो साहब कह रहे हैं सच सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश नहीं, तिसको झिलमिल ज्योत दिखाना, जाना जनक विदेही। राजा जनक ने सच शब्द का स्टार्ट किया, लेकिन फिर राजा जनक ने भी क्या किया, अपनी ट्रैक बदल दी और अष्टावक्र के चरणों में जाकर पड़ा। फिर कह रहे हैं ररंकार खेचरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले ररंकार पहचाना। अभी तक चार युग तक शिवजी समाधि लगाते हैं, लेकिन भेद नहीं पा पाता है। इसकी गवाही देता हूं, साहब ने कुछ भी गलत नहीं बोला। धर्मदास जी ने साहब से कहा, सर्वगुण निर्गुण दोनों से परे बता रहे हो, आपकी बात समझ में नहीं आई, निशंशय पद हैं कहाँ। हे गुरुजी, आपका फार्मूला नहीं समझ में आया, आप पूरी उपासनाओं को ही खंडित कर रहे हैं, सर्वगुण निर्गुण दोनों को, अपने को थाप रहे हैं। आपसे भी लोग यही कहेंगे, कौन सी भक्ति है, निशंशय पद क्या है? देखो साहब कह रहे, सुनो, सुरत लगाए सुनो मम वाणी। सुरत लगाए का मतलब क्या है? अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अगर ध्यान चला गया तो पूरा मामला गड़बड़ा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बोला। साहब कह रहे हैं ध्यान से मेरी बात सुन, सुरत यहीं रख। सूक्ष्म गति अति भारी जीनी, बहुत बारीक बात है, ताहे जगत में बड़ला चीनी, इसको कोई नहीं जानता है। आदिनांत हती नहीं माया, उत्पत्त प्रलय हती न काया, ये कुछ नहीं था। शून्य शिखर ना तत्व न मूला, कारण सूक्ष्म नहीं अस्तुला, ये कुछ भी नहीं था। आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा, ओंकार भी नहीं था। नहीं निरंजन नहीं अवतारा, ज्योति निरंजन भी नहीं था। दस अवतार न चौबीस रूपा, तब नहीं हता ज्योत स्वरूपा, पुण्य पाप का अभू नहीं था पा, सोय ब्रह्म नहीं सोहंग जापा, सोहंग भी नहीं था। नहीं तब शून्य, सुमेर न भारा, कूर्म न शेष धरे होता, अक्षर एक न रंकारा, बोले रंकार भी नहीं था। शक्ति युक्ति नहीं आदि भवानी, ये सब नहीं था। वाह, देखा कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, साहब फिर कह रहे हैं जग में भक्त हुए बहु बारी, बहुत बड़े भक्त हुए, करी भक्त पर युक्त न धारी, तरीका ही नहीं है। आदि भक्ति शिव योगी केरी, शिव जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। चार युग की समाधि लगाते हैं, राखी गुप्त न जग में फेरी, सो अक्षर है ररंकारा, उस ररंकार की उपासना करते हैं। तासे उपजो सकल पसारा, रहे अदर ब्रह्मांड के माई, शिव जानत कोई जानत नाही, शिव के अलावा कोई नहीं जानता उसे। तासे मेरी भक्ति न्यारी, उसको क्या समझे संसारी। फिर कह रहे हैं सनक सनंदन सनंत कुमारा, सनकाधिक ये चार अवतारा, केते ब्रह्म होए होए गए, सनकाधिक से निश्चय भय, वो इतने बड़े ज्ञानी थे सनक सनंदन सनकाधिक ये। पर ध्यान जो करे निरंजन माही,
सब काल निरंजन का ध्यान करते हैं। निरंजन से न्यारा कोई नहीं। इसलिए साहब एक अजीब शख्सियत थी। क्या थी? मैं प्रमाण दूंगा, आइए। द्वापर में साहब आए संसार में तो गढ़ गिरनार गुजरात में आए। आप देख रहे हैं द्वारकापुरी में भी कबीर कोठा है, जिनको पता है हाथ खड़ा करें। कोई नहीं देखा? बालू के ढेर पर कबीर कोठा है द्वारकापुरी, कभी जाना देखना। समुद्र उसको क्रॉस नहीं करता है। आप गुजरात में रहते हैं, बड़ोदरा में तत्वा और जीवा दो ब्राह्मण थे, उन्होंने बड़की सूखी लकड़ी रखी थी। बोला जिस महात्मा के चरणामृत से ये हरा होगा, इसमें पत्ते हैं, उसको गुरु बनाना। तो तत्वा और जीवा जो भी संत आते थे सबके चरण धोते थे, उस लकड़ी पर डालते थे। और जब साहेब आया तो उस लकड़ी पर जब डाला, लकड़ी में पत्ते आए। वही बड़ोदरा का बट वृक्ष है, ठीक है, वही। इसलिए वहाँ बड़ौदा में बहुत कबीरपंथी है और वहाँ बड़ा मेला लगता है, लोग इतिहास को नहीं जानते। तो आगे सुने, बोला मैं गढ़ गिरनार आया। ये गिरनार कहाँ है? कब आए? द्वापर युग में। चंद्र विजय तह राज रहा है, राजा चंद्र विजय था वहाँ का राजा। पर इतिहास द्वापर युग को नहीं ले रहा है, कलयुग का ही उदाहरण। किसी ने सुना राजा चंद्र विजय तो हाथ खड़ा करे। साहब कह रहे गढ़ गिरनार में आया। गढ़ गिरनार से हम आए, चंद्र विजय तह नृप रहा है, वहाँ राजा चंद्र विजय था। तह नृप की गृह रह रानी नार सयानी, पूजे साध महात्म जिज्ञानी। उस राजा की रानी इंद्रमती थी, वो बड़ी संत महात्माओं की पूजा करती थी, भक्ति वाली थी। चढ़ी अटारी बाट निहारे संत दर्श काया डारे, वो अटारी पर चढ़कर संतों का दर्शन करती थी। महल में कोई महात्मा जाता था, उसको बुला, अपनी दासी को बोलकर बुलाती थी महल में, सेवा करती थी, सत्कार करती थी, सिंहासन देती थी, बड़ी श्रद्धालु थी। रानी प्रीत बहुत हम जाना, तेह मार्ग में कीन पयाना। साहब कह रहे मैं भी उधर आया। मोह पर दृष्ट पड़ी जब रानी, वृषली रसना कहे असबानी। जब मुझे देखा तो अपनी दासी को कहा, वो एक महात्मा जा रहे हैं सफेद वस्त्रधारी श्वेत वस्त्रधारी, उनको बुला लो महल में, उनके दर्शन करना है। वृषली आय चरण लपटानी, नृप बनिता मुख बात सयन सुनानी। यानी दासी आई, नृप बनिता का क्या मतलब है? नृप किसको कहते हैं और बनिता पत्नी। यानी रानी राजा की पत्नी की बात आकर साहब को वृषली दासी को कहते हैं। उसने आकर बोला कि आपका दर्शन करना चाहते हैं, महल में चलो। साहब ने उत्तर दिया, राज राव है नाम बढ़ाई, हम साधु नृप ग्रह नहीं जाई। बोला मैं नहीं जाना है। राजा लोगों में काफ़ी अहंकार होता है, बढ़ाई होती है, वहाँ साधु का कोई जगह नहीं है। दासी ने आकर बताया, भाई वो महात्मा तो आ नहीं रहा, कह रहा है राजा लोगों के यहाँ घमंड होता है, हम वहाँ नहीं जाना। यह सुन रान इंद्रमती उठ धाई, धाई का मतलब दौड़ी। कीन दंडवत टेके पाई, आकर स्वयं नीचे दौड़ के आई और प्रणाम किया। बोला हे प्रभु मेरे घर चलो। चलकर मेरे ग्रह को पवित्र करो और मैं आपकी सेवा करूं, भोजन बनाऊं। महात्माओं को भोजन क्यों खिलाते हैं कोई बताएगा? मैं बताऊंगा। लोग पितृ तर्पण श्राद्धों में कन्या को और ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं ना? कन्या को खिलाते हैं कि नहीं? क्यों? कन्या कौन है?
जब स्त्री रजोव्रत से निवृत्त है, उसको जब तक मासिक नहीं स्टार्ट हुआ वो कन्या है, जैसे मासिक आया वो नारी बन गई। ठीक है, कन्या वो है जिसको अभी रजो निवृत्त है, रजोवृत्ति नहीं आई, मासिक नहीं आया, वो कन्या है। मासिक आ गया वो नारी बन गई। ब्राह्मण को क्यों खिलाते हैं? क्योंकि वो कन्या देवी का रूप है। ब्राह्मण को क्यों? वो ब्रह्म रमंता ब्राह्मणा, पितृ तर्पण में, इसलिए पितृ को तर्पण देते हैं, आहुत करता है वो ब्राह्मण के इष्ट देव हे पितृदेव, इनके कुल देवता, उनका गोत्र वगैरह पुकार कराओ। अगर ब्राह्मण सच्चा है, ब्रह्म नीति को और जानकार हैं, तब ये काम हो पाएगा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। फिर मुझसे एक आदमी ने कहा कि गुरुजी एक दिन तो श्राद्ध में उनको भोजन खिलाया पितरों को, बाकी दिन कहाँ खाते हैं? मैं बोला तेरी शंका का मैं निराकरण करूँगा, सुन। जब मृत्युलोक में एक साल हो जाता है, पितृलोक में एक दिन होता है, इसलिए जो हम एक दिन वो खिलाते हैं, समझो उसको रोज भोजन दे रहे हैं। इसलिए पुराने लोग संतानहीन नहीं होना चाहते थे, वंश का नाश नहीं, तो कहते थे हमें पितृतर्पण कौन देगा। मैं लोगों को क्या कहता हूँ, भाई ठीक है तुम पितृतर्पण अब कैसा करो, भंडारा करो आश्रम में या सत्संगियों में, क्यों? इनसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है, ये मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, परस्त्री कमन नहीं कर रहे हैं, तेरे पितरों का पहले तो ज़रूरत नहीं है, अगर तुझे करना ही है तो आश्रम में भंडारा कर दे। इसमें जो मांस खाता है हाथ खड़ा करे, कोई नहीं, ये तो महात्मा लोग हैं, ये तो साध्वियां हैं। जो नशा करता है हाथ खड़ा करे, नहीं। जो चोरी चंडाली करता है हाथ खड़ा करे, नहीं। इनसे बड़ा महात्मा कहाँ मिलेगा, इसलिए पहले मैं सबको खुद ही बंदगी करता हूँ, सदगुरुदेव की जय बोलकर सबको पहले मैं बंदगी कर रहा हूँ, आप तो बाद में करोगे। तो आइए, कहा हे प्रभु मेरे घर चलो, मुझे कृतार्थ करो, चरण रखो, घर लाइए, सिंहासन दिया, पांव धोए, चरण धोए। क्यों चरण धोते हैं? पुराने जमाने में ये शू नहीं थे, बाटा का शू, फलाने का शू, डॉक्टर शू, महात्मा लोग खड़ाऊं पहनकर चलते थे, धूल मिट्टी लगती थी, इसलिए गृह में आते ही पहले प्रथा थी उनके चरणों को धोना। रानी ने भी वैसा किया, फिर पुनः प्रसाद की आज्ञा मानी। इंद्रमती ने कहा हे प्रभु अब आज्ञा दो आपके लिए भोजन बनाऊं, थोड़ा जूठन मेरे घर पहुंचे। साहब ने कहा सुन रानी मैं सुधा न कोई, मुझे भूख नहीं लगती, कोई सुधा प्यास भी नहीं, पंच तत्व पावे जह लोई, जिसका शरीर पांच तत्व का है उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरा शरीर पांच तत्व का नहीं है। देखो यहाँ गवाही मिल रही है, यहाँ गवाही मिल रही है, कबीर वाज नॉट बॉडी, और मगहर में दिखा के गए जब जाना था फूल बनाया, ऐसा दुनिया में पहले कोई हुआ तो बता दो नाम। देखो यहाँ भी गवाही मिल रही है भाई, किताब की गवाही क्या, वो तो प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, वो तो सामने दिखा के गए ना, क्या बोल रहे हैं, पांचों तत्व निरंजन के हाथ में है, मेरा शरीर प्राकृतिक नहीं है, ये कितनी बड़ी गवाही है। कह रहे आई एम नॉट बॉडी, असी पंच किम काल समीरा, पंच तत्व की देह खमीरा, ता मैं आदि पवन इकाही, जीव सोहंगम बोलियताही, सोहंग जीव आत्मा को कहते, यह जीव अहे पुरुष को अंशा, ये परमात्मा का अंश है, रोकस काल देह ते शंशा, काल ने इसको भ्रमित करके रोका रखा है, कैसे रोक रखा है बताऊंगा। नाना फंद रच जीव है ग्रासे, देह लोभ तब जीव है फ्राद से, जीव तारण हम यह जगाए, इसलिए मैं जीव को छुड़ाने के लिए आया हूँ। आपने भरोसा किया नहीं, तभी तो मैं आगे बढ़ा ना।